अरे भाई, आज की तारीख में हांडी पक जाएगी। अब वो बस 2 मिनट में बन जाएगा। सामिया, पूरा दिन तुम बिस्तर तोड़ती हो। दिन में 1 सालन बनाना होता है, उसमें भी इतनी देर। हटो, मैं खुद देखती हूँ। मम्मी मम्मी प्लीज, बस 2 मिनट। हटो, मैं देखूं। अरे इतना तेल! नहीं तो क्या हार्ट अटैक देने का इरादा है हम लोगों को? मैं निकाल के कम कर दूं। मेरी बात सुनो, इतना तेल डालती क्यों हो कि निकालने की नौबत आ जाए? मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वैसे तो तुम लोग जहर दे नहीं सकते हो हम लोगों को, तो तुमने सोचा कि सालन में घी या तेल डाल के इनको कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हार्ट अटैक सब दे दिया जाए कि हम सोए तो बिल्कुल ही सोते रह जाए, है ना? मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ क्यों चाहूंगी? बस रहने दो, मुझसे बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। अब तुम खुद सोचो ना, ये तेल में डूबा हुआ सालन मैं अपने बच्चों को और अपने शौहर को खिलाऊंगी? एक तो तुम्हारी माँ बाप ने पता नहीं क्या तरबियत दी, सिर्फ यही सिखाया है कि लड़कों को फांसते कैसे हैं, हाँ? मम्मी प्लीज, मेरे माँ बाप के बारे में कोई बात मत करो। अच्छा क्यों ना कहें? सिखाया उन्होंने, भुगत तो हम रहे हैं ना। अब हटो, मैं खुद ही देख लेती हूँ सालन। बेड़ा गर्क करके रख दिया है सालन का, काम आता नहीं है। और बातें देखो, मैं भी देखती हूं कि तुम मलेशिया जाती कैसे हो। ये तुम किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, पागल हो गई हूं इसलिए खुद से ही बातें कर रही हूं। अच्छा, मैंने ना अम्मी की बुकिंग करा दी है, 3 दिन बाद उनकी फ्लाइट है, लेकिन तुमने उन्हें 3 दिन तक बिजी रखना है, बातों में लगा के रखना है, ताकि पुलिस वाला खन्नास जो है वो उनके जहन से निकले। बात की बातें बाद में देखेंगे।